बात करते हैं 27 वर्ष पूर्व आज ही के दिन विध्वंस हुआ था अयोध्या के अंदर। देखिए पूरा मामला इस तफसीली रिपोर्ट में। छह दिसंबर अयोध्या के इतिहास में वो तारीख, तब अयोध्या के नाम से विवादित जमीन का शब्द जुड़ गया। अयोध्या के इतिहास में यह दिन हर साल खास रहता है, लेकिन इस साल 6 दिसंबर अयोध्या के लिए अलग है। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या के लिए यह पहला 6 दिसंबर है और इस दिन की अहमियत को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे शहर को एक अभेद दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। लगभग हमारी 14 कंपनी PSC जो है बाहर से आई है, एग्जिस्टिंग 25 कंपनी के अलावा तो लगभग 39 कंपनी PSC यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और इसके अलावा जो सिविल फोर्स है बाहर से पूरी रेंज और जोन से जो अलॉट हुआ है 400-500 के आसपास, उनको भी यहाँ पर ड्यूटी पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी ATS की टीम है, LIU की टीम है, फायर की टीम है, जिस तरीके से उनकी ड्रिल थी वो किया गया है। इसके अलावा लगभग 70 के ऊपर पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर हमारे जो भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं उनमें घूमते रहेंगे। रूट मार्चेस वगैरह जो है वो जनपद के अंदर की जा रही है। जनता ने बहुत अच्छा शांति और सौहार्द का यहाँ पर संदेश दिया था, उसी को देखते हुए लगभग 500 के ऊपर जन चौपालें हमारे द्वारा की गई हैं अभी यहाँ पर रिसेंटली। पुलिस ने शहर की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर रखे हैं। CCTV और ड्रोन कैमरों की मदद से शहर की हर हलचल पर निगाह रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की गई। 6 दिसंबर के मौके पर मुस्लिम समाज शांति से मस्जिदों में यौम गम मनाएगा, तो दूसरी तरफ VSP ने तय किया है कि इस साल शौर्य दिवस नहीं मनाएगा। और जो भी प्रोग्राम है वो मस्जिदों में ऐसे करेंगे, घर पे नहीं करेंगे। ये क्या यौम गम कहीं मनाया जाएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल मनाया जाएगा, मस्जिदों में मनाएंगे हम। न्यायालय का जो है निर्णय आ चुका है, न्यायालय ने निर्णय दिया है, सत्य की विजय प्राप्त हो चुकी है और कहीं पर भी जो है अशांति का वातावरण नहीं। अयोध्या पहले भी शांत रही, आगे भी शांत रहेगी, तो उनके आदेशों का हम सब पालन करते हुए जो उन्होंने कहा है, दीप प्रज्वलन होगा, दीपक जलाए जाएं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम न किए जाएं, तो हम सब उसका पालन करेंगे। भले ही सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अयोध्या अभी भी शांत है। पुलिस पूरी तरह तैयार है और अयोध्या में हिफाजत के हर तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन अयोध्या के लोगों में आज भी वही भाईचारे की भावना है और आज भी अयोध्या एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।